जीवन में ना कितने कष्ट हो, रात को नींद ना रही हो, मच्छरों ने काटा हो, हमारा ब्रेकअप हो रखा हो, कहीं मैं अपने मौत को गले तो नहीं लगा रही हूँ दोस्तों। इस बार मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वीना तू कर लेगी, मैं तो आपको वहां भेज दूंगी वृद्धाश्रम। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस व्लॉग का जो है पार्ट टू, कैसे अपना जल्दी से वेट लॉस करें। तो जैसे पुरानी वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि सुबह उठना कितना ज़रूरी है, वर्कआउट ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है नाश्ता, फिर उसके बाद है बाकी काम। देखो यार, चाहे जीवन में ना कितने कष्ट हो, चाहे सुबह चाहे रात को नींद ना आ रही हो, मच्छरों ने काटा हो, गर्मी लग रही हो, ऑफिस में दुनिया भर का काम है, चाहे तुम्हारा ब्रेकअप हो रखा हो या थकान नहीं मिट रही हो, पर सुबह उठने का दृढ़ संकल्प ले लो कि सुबह उठना है तो उठना है। वो ये है ना कि अगर सुबह उठ के अगर आपने वर्कआउट कर लिया ना, तो समझ जाना पूरा दिन आपका सेटल डाउन हो जाएगा। वो बोलते हैं ना, अगर शुरुआत अच्छी करोगे तो अंत भी अच्छा होगा। इसलिए रात को चाहे कितनी भसड़ हुई हो, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। अगर आपने सुबह उठ के रूटीन फॉलो कर लिया तो समझ जाना मुबारक हो, आपका जो पहला स्टेज है वेट लॉस जर्नी का वो आपने पार कर लिया। अगर सुबह नहीं उठ पाए, वही हरकत कर ली कि अलार्म लगा दिया, सब तैयारी कर ली रात को और सुबह उठ के अबे छोड़ यार, कल से उठेंगे, अगले मंडे से वर्कआउट शुरू है, शाम को वर्कआउट कर लेंगे यार, अरे खाना स्किप कर लेंगे यार, अरे एक ही तो लाइफ मिलती यार। ये सोचो कि यार जिंदगी भर सुबह तो ख़त्म होनी नहीं है, और हर सुबह उठने में उतनी ही तकलीफ होगी जितनी पहले दिन। इससे अच्छा पहले दिन ही उठ जाओ, नींद कभी पूरी नहीं होती, ऐसा मेरे पिताजी कहते हैं। कभी कभार सो जाओ, बट अगर डिसाइड करा है कि यार वेट लॉस करना है तो ना सुबह उठने का रूटीन एकदम फॉलो करना पड़ेगा। अगर सुबह उठने का रूटीन फॉलो नहीं किया ना, तो समझ जाना यार तुमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा यार, कुछ नहीं हो पाएगा तुमसे। तो आज की सुबह की शुरुआत हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है, अब दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में मैं अक्सर फल वगैरह खा लेती हूँ, कुछ फ्रूट्स हो, सीजनल फ्रूट हो, जैसे तरबूजे आजकल चल रहे हैं, खरबूजे चल रहे हैं, तो आज घर पे है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज लौकी का जूस बनाऊँ। आप लोगों ने सुन के गंदा सा मुंह बना दिया होगा, तुम सुन के गंदा सा मुंह बना रहे हो, मुझे तो पीना है, तो मैंने सोचा लेट्स ट्राई फर्स्ट टाइम लौकी का जूस। इससे पहले मैंने एक और बार पिया है, वो बात अलग है कि उल्टी हो गई थी, बट इस बार मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वीना तू कर लेगी, तो इसलिए आज मैं लौकी का जूस पीऊँगी। और अभी मैं गार्डन में आई हूँ लौकी तोड़ने के लिए, तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये रहा लौकी, मुझे डर भी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं अपने मौत को गले तो नहीं लगा रही हूँ दोस्तों। क्या वीना लौकी का जूस पी पाएगी? क्या वो इसे पचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए वीना के व्लॉग्स। तो दोस्तों लेट्स प्ले अ गेम, जो मुझे बताएगा कि मेरे इस पूरे विजुअल में शक्तिमान कहाँ है, उसको मैं 50 रुपये दूंगी। पापा गिरोगे आराम से, पास। क्या है वारिस, वारिस। कौन है वारिस? क्या? मैं, वो तो आपके पोता होगा, मैं थोड़ी होंगी, मैं तो पराया धनु, मैं तो पराया हूँ। क्या सोच रहे कि बुढ़ापे में हम बच्चे सेवा करेंगे क्या? मैं तो आपको वहाँ भेज दूंगी वृद्धाश्रम, किसी ने सोची ना होगी वहाँ आप जैसे बुढ़े होंगे। जिनकी तो दोस्तों हमारे घर उगता है लिपस्टिक। अब आप बोलोगे है लिपस्टिक, ये कब बावड़ी हो गई हो का? देखो ये जो पौधा है ना, ये लिपस्टिक से कम नहीं है। इसमें ये जो फूल दिख रहा है, इस फूल को ऐसे तोड़ा, इसको ऐसे पिचकाया, इसको ऐसे पिचकाया पिचकाया पिचकाया, ये देखो लाल कलर छोड़ रहा है। अब इस लाल कलर को आप कहीं पे भी लगाओ, इसे लाल करने के लिए ये देखो इकार में लगाओ, ये देखो ना लिपस्टिक से कम एकदम नेचुरल लाली है दोस्तों। अब बताओ बस ब्लशर का खर्चा खत्म, अपने गार्डन में उगता है ब्लशर।
मेरे को तो धक धक हो रही है यार। रामदेव जी मेरी ये वीडियो देखते हैं, आपको मेरे को पुरस्कार देना चाहिए। गलती से भी मत पीने की कोशिश करना, इतना गंदा हो रहा है, इतना भी हेल्दी नहीं रहना भैया, मोटे ठीक है। चलो पापा खाना खाते हैं। खाने से पहले मैं एक दो ग्लास पानी पी लेती हूँ ताकि मुझे पूरा भरा भरा महसूस हो पेट और जल्दी पेट भर जाए। तो आज लंच में है कढ़ी चावल, साथ में हरी सब्जी, सलाद और थोड़ा सा गुड़। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर डाइटिंग कर रहे हैं तो चावल बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी से बहुत ज़्यादा बेटर है चावल। चावल काफ़ी हल्के होते हैं, इसे खा के आप बिल्कुल भारी महसूस नहीं करोगे। अब डाइटिंग जैसी चीज़ एक दो दिन की नहीं होती, पूरे महीने क्या बनाएं क्या खाएं ये सरदर्दी नहीं चाहिए। इसलिए घर पर जो नॉर्मल खाना बनता है उसी को लिमिटेड खाओ। ऐसा नहीं है कि आपको पेट भर के खाना है, हल्के से पेट में जगह छोड़नी है, अपने कैलोरीज काउंट करने की आज आपने कितनी बर्न करी और आपको कितनी कैलोरीज लेनी है अपने वर्कआउट के हिसाब से उतना लो। यही रूटीन आपको फॉलो करते रहना और कब आप भैंस से गाय बन जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। A few inches later. हवा निकल गई। दोस्तों जिंदगी का जो असली मजा है ना वो है खाने में, और जिंदगी का डबल असली मजा पता है क्या, मीठे में। अब खाना खाने के बाद ऐसे तड़पन हो गए हैं कि मीठे में क्या खाएं भैया क्या खाएं। खुंदक आके लोग मिठाई खा लेते हैं, मैं भी बहुत बार मिठाई खा लेती हूँ, पर अगर आप डाइटिंग पे हो तो मिठाई तो आपके लिए जहर से कम है ही नहीं। हम सच कह रहे हैं, 100% की बात कह रहे हैं। तो अगर डाइटिंग पे हो और आपने मिठाई खा ली तो ये तो वही बात हो गई कि आप वही डाल काटे जा रहे हैं जिस पर आप बैठे हैं। तो इसलिए मीठा का जो तोड़ है वो लेके आए हम, ये देसी गुड़। ये जो गुड़ है आपके अंदर की मीठे की भूख मिटा देगा और साथ ही साथ आपको अच्छा वो देगा, क्या बोलते हैं वो। अगर मैंने आपको इस गुड़ के फायदे बता दिए ना, आप मेरे चरण स्पर्श करके मुझे दान में अपनी ज़मीन दे देंगे, बगल वाला प्लॉट दे देंगे, अपने सोने के गहने गिरवी रख लेंगे, अपने दहेज का सारा माल मुझे दे देंगे अगर मैंने आपको इसका बेनिफिट बताया। जानते हैं इसका बेनिफिट क्या है? तो पहला जो इसका गुण है ये कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करता है, आपके लिवर को प्योरीफाई करता है, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है और मंथली में होने वाले लड़कियों को मेंसुरेशन में रिलीफ देता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे अंदर के भूत को मिटाता है, जो मीठा खाने का भूत होता है ना हमारे अंदर, उसको मिटाता है। वाह! जब मेरे जीभ को मिठास का एहसास होता है ना तो मेरे जीभ का कुछ ऐसा मूड होता है। मेरा आखिरी टुकड़ा है दोस्तों,
जरा आराम आराम से बोलना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तेरे को घुटना भी नहीं है और जल्दी निकालना भी नहीं है, इसलिए आराम से बोलना ताकि ज्यादा से ज्यादा तू मेरे मुंह में रह सके। भगवान। तो दोस्तों वैसे तो मैं दिन में सोती हूँ, पर आज मुझे जरा काम था, एक ऑर्डर डिस्पैच करना था, इसलिए मुझे सड़ी धूप में आना पड़ा। ठीक है, आजकल तो जून के महीने में ऐसी सड़ी गर्मी होती है, ऊपर से अगर कुछ काम पड़ जाए तो मौत आ जाए दोस्तों। तो जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो जब एकदम डिहाइड्रेशन महसूस होता है, प्यास लगती है, तो नॉर्मल पानी तो बिल्कुल पीने का मन नहीं करता, बस ये मन करता है गन्ने का जूस पी लूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, अनशंट पी लूँ, कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ। बट एक ही चीज़ जो मेरी खतरनाक प्यास बुझा सकता है वो ये है कोल्ड ड्रिंक। तो ये है टेन टेन डाइट कोक, एंड हर चीज़ का सोल्यूशन है। देखो अगर इच्छा होना मन में डाइटिंग करने की, वेट लॉस करने की, तो हर चीज़ का वो होता है, क्या बोलते हैं उसका, अल्टरनेट होता है। तो इसलिए अपने साथ पूरी तैयारियां करके ले जाओ ताकि बाहर कुछ ऐसे मन नहीं भटके। ठीक है, इसका टेस्ट एकदम नॉर्मल कोक जैसा है, एकदम नॉर्मल, बस ये कह सकते हैं कि हाँ थोड़े मिठास की कमी सी लगती है, कोक बहुत मीठा होता है, पर ये मीठा है मतलब कमी नहीं लगेगी। बस जो बहुत कोक पीता है ना, जिसको रियल टेस्ट मालूम है, वो बता सकता है इसमें डिफरेंस, अदरवाइज इसे पी के ऐसा फील होता है जैसे किसी ने ना जलते शरीर में ठंडा पानी डाल दिया हो। इसमें लिखा हुआ है नो शुगर नो कैलोरीज क्रिस्प टेस्ट, बट इसमें कुछ भी नहीं है, कैलोरीज शुगर नहीं है, बस सोडियम है 8.3 mg का। हेलो कबूतरी,